ऑर्डर मिला, सरप्राइज मिला था, तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए दशम फॉल। जैसे कि देख रहे बगल वाला जो वीडियो है उधर से हम लोग आए हैं और मेरे पीछे तरफ हम लोग जाएंगे, और इधर से जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे पार्किंग है। ये एक नया बंदा है जो आपको दिखा रहा है, नया टोपी खरीदा है सामने में हाथ में लेके जा रहा है, और इधर पे पार्किंग है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पार्किंग है, इतना भीड़ है कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर है और बहुत भीड़ है, और यहाँ पर पुलिस बैरिकेड भी किया हुआ है। इधर से ऊपर जाने से आपका देखने का सुबह आता तो जगह नहीं मिलता, अभी थोड़ा बहुत हल्का हो गया क्योंकि बहुत लोग चले गए हैं। और सामने में जैसे देख रहे हैं यहाँ से हम लोग घुस रहे हैं, यहाँ पे है एक पार्किंग लॉट है, यहाँ पे छोटा सा पार्किंग लॉट बनाया गया है, बाद में बनाया गया है, पहले ये नहीं था। यहाँ पे कुछ गाड़ी रखा हुआ है ऑलरेडी, जो लोग सुबह सुबह आए हैं उन लोग को जगह मिल गया है। जैसे एक नज़ारा आपको छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ऊँचा करके बनाया गया है लोग को ईजिली गाड़ी पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत पहले दिक्कत होता था। और जैसे यहाँ देख रहे हो नीचे में कुछ पिकनिक स्पॉट टाइप का बनाया गया, जहाँ पे आपका घूमने आने के बाद यहाँ पे खाना वाना बना के आप लोग खा सकते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा भी खाना भी नहीं बनाया गया तो आप लोग यहाँ पे होटल में खरीद के खा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ देखिए एक सीढ़ी, छोटा सा सीढ़ी है और छोटा सा हल्का पार्क टाइप का बनाया गया है। ऐसा तो आपको फॉल्स नहीं दिखेगा क्योंकि फॉल्स थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। उधर एक शौचालय है, दिखा देता हूँ, कभी आप लोग आइएगा तो देख पाइएगा। यहाँ पर शौचालय है, फीमेल और मेल दोनों शौचालय यहाँ पर है। जैसे ये छोटा सा पार्क है और पार्क के साइड से जाते हुए उधर पे शौचालय मिलेगा आपको। अब लोग देखते हैरान हो गए कि शौचालय क्यों दिखा रहा है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। आने के बाद ये शौचालय नहीं देखने के कारण कहाँ जंगल महारी में जाना पड़ता है और इन्फेक्शन होने का डर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे जो टॉयलेट है, शौचालय है, शौचालय का जो गेट है। और तो भैया कितना रुपये लग रहा है टॉयलेट में? देखिए टॉयलेट करने में भी 10 रुपये लग रहा है, मगर ये थोड़ा महंगा है। तो जनरेटर से चल रहा है तो पानी निकल रहा है ना, पानी थोड़ी जनरेटर से खींच रहा है तो 10 रुपये इतना महंगा ले रहा है। अच्छा अच्छा, इसलिए महंगा है कि बोल रहा है कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जनरेटर का खर्चा करना पड़ता है तो थोड़ा कॉस्टली होना भी चाहिए। ये लोग इतना सेवा दे रहा है तो सही बात है। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है यहाँ पे? कितने बजे तक खुला रहता है? सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे से, सुबह 3 बजे से बैठे रहते हैं भैया? सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, बहुत ही साफ सुथरा रखे हैं। देख रहे हैं जैसे, और जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लोग ऑलरेडी बैठा हुआ है। अभी शाम हो गया है, सब जाने का टाइम हो गया, मगर अभी भी जितना भीड़ लग रहा है नहीं है कोई यहाँ पे शाम हो गया बोल के। और ये जो सीढ़ी नीचे से जा रहे हैं देख रहे हैं, ये सीढ़ी धीरे धीरे जाने के आपका फॉल्स तरफ जाते हुए दूर में दिख रहा होगा आपका हल्का फॉल्स। और इधर देख रहे हैं एक छोटा सा पार्क है, मेरे डाइने तरफ एक पार्क दिख रहा है जहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा हल्का पार्क बनाया है बच्चे लोग खेलने के लिए, और यहाँ पे कुछ बंद लोग अपना खाना वाना बना के पिकनिक बना रहे हैं इसे देख रहे हैं। और साइड से जो सीन है, जो फॉल्स आपको साइड में सामने में दिख रहा होगा, तो सामने में कैसे फॉल्स है। और एक यहाँ पे छोटा सा दुकान है जहाँ पे आप कुछ अगर पानी वानी चाहिए तो आपको मिल जाएगा पानी वानी। यहाँ से यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर लोग भी बैठे हुए हैं जहाँ पे फोटो उठाता है। देख रहे हैं फोटो वोटो खींचने के बाद आपको फोटो मिल जाएगा, तो अगर कैमरा नहीं भी लाइएगा तो यहाँ से कैमरा मैन ला के आपको फोटो दिखा देगा। ठीक है भाई, आप लोग का कितना चार्ज है फोटो का? फोटो का है 30x फीट के। कितना चार्ज पड़ता है आप लोग का? साइज का दुकान रख सकते हैं। हाँ साइज के ऊपर देखिए थोड़ा सा, हाँ ये 50 रुपये था। बड़ा वाला कितना पड़ता है? 80 रुपया। ये 80 रुपये पड़ता है। आप लोग फोटो खींच के प्रिंट करके 80 रुपये लेते हैं ना? हाँ। जैसे देख ले यहाँ पे फोटो आपको खींच के 80 रुपये में मिल जाएगा, बड़ा वाला फोटो है। और इधर से ऊपर जाते हुए और आप लोग को और एक व्यू, आप कहीं भी कोई भी साइड में जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग आते हुए लग नहीं रहा है कि शाम हो गया है। और एक दूसरा वाला व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ से कुछ नज़र अलग है। अभी बहुत सारा बंदा लोग यहाँ फोटो ले रहा है, आपको नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। और इसका आवाज़ से सुनाई दे रहा है, यहाँ बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रहा है, शायद मेरा आवाज़ क्लियर नहीं है पहुँच पाएगा आप लोग के पास। और दूर से यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे लोग तो नदी का उस पार है। एक्चुअली क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे ये झरना के ऊपर से एक उधर से पॉइंट है जहाँ से नदी के उस तरफ एक रोड है, उधर से भी एक ग्रीन पॉइंट है। उस साइड से ये नदी क्रॉस करते हुए इस साइड में आ सकते हैं हम लोग। तो जो आपका रास्ता दिख रहा है वो रास्ता तो आपको क्लियर दिखेंगे नहीं, तो कभी कम से कम जब आइएगा तब लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और जैसे देख रहे हैं इधर पे इस साइड में और एक ग्रीन पॉइंट है जहाँ से लोग
पूरा भीड़ करके खड़ा हुआ है। ये जो आपका हम लोग गए थे जहाँ से हम वही है, ये फोटो वाला दुकान के सामने से पास कर रहा, ये फोटो वाला दुकान है और ये एक व्यूइंग पॉइंट है। फिर आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ व्यूइंग पॉइंट, ये नीचे में व्यूइंग पॉइंट। हाँ ये देखिए एक व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ से ज़बरदस्त सीन आता है मैंने लाजवाब। आप लोग नहीं आइएगा तो पता नहीं चलेगा। झारखंड का बेस्ट फॉल्स में एक फॉल्स भी नहीं आता, ये दशम फॉल्स जिसका नाम आपका शायद जो कभी बुक में मिल जाएगा। ऐसे भी झारखंड को स्टेट ऑफ फॉल्स बोला जाता है। ये दशम फॉल्स इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे 10 साइड से फॉल्स गिरते हैं, इसलिए दशम फॉल्स बोला जाता है। इसे देखा यहाँ पे इतना सारा ये जो नज़ारा है लाजवाब। और यहाँ भी देख रहा है एक व्यूइंग पॉइंट है जहाँ पे कितना लोग भीड़ करके वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बना रहा है और यहाँ से कुछ लोग आ रहा है। और ऐसे नीचे से और एक सीढ़ी गया है नीचे में और नज़दीक जाने के लिए, देख रहे हैं और नज़दीक जाने के लिए। यहाँ पे कुछ सामान वामान बिकता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके अपना यादगार बनाने के लिए करने के लिए यहाँ खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो हाथ से बना कर दे रहे हैं। वो लोग बिक रहे खड़ा होकर आप यहाँ खरीद ही रहा है और आपको दिखाता हूँ वीडियो कैसे बन रहा है। एक्चुअली बहुत ऊपर है, सीधे से चलते चलते थक गए। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो एक वीडियो है, यहाँ से सीढ़ी है नीचे में सेंटर पॉइंट किया गया है जहाँ पे आप आराम से वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। यहाँ पे कुछ बैठने का जगह भी है जहाँ पे बैठ कर आराम से फोटो खींच सकते हैं और नज़दीक आके और सीन और जो क्लियर आएगा। और एक सीढ़ी जो यहाँ से नीचे तरफ जाते हुए है वो सीढ़ी एक्चुअली ब्लॉक कर दिया सेफ्टी पर्पज़ में, क्योंकि अभी कोरोना भी है, भीड़ भी बढ़ रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट ऑलरेडी हो गया था। देख रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, हम दूसरी जगह चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लोग कहाँ कहाँ जाकर फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग इस साइड से चल के चले गए नीचे में फोटो लेने के लिए। और ये जो सीन जो है वो बिना आप देखे आपको पता नहीं चलेगा, ये ऊपर तरफ देख रहे हैं कि और एक व्यू पॉइंट है यहाँ से कुछ, चलिए उधर चलते हैं व्यू पॉइंट से आपको दिखा देता हूँ। चुनबुल बोलो कैसे एक्सपीरियंस है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ फर्स्ट टाइम आया, बहुत सुंदर जगह है, बहुत मजा आ रहा है। खुश हो गए मिले, सरप्राइज मिला था तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर से जाते हुए देख रहे हैं और एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और ये दूसरा वाला इसका भी एंगल अलग अलग तरीके से, हाय बोल दो थोड़ा, गला इतना खराब हो गया कि। और एक और अगर ये पोज देने में भी जिए तो आज हम वीडियो बना लेते हैं। एक्चुअली क्या क्या मेरा आवाज़ इतना क्लियर नहीं आता जिसके कारण मैं वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, और इसलिए हम बोलेंगे मैडम आप थोड़ा वीडियो बना लीजिएगा, मगर आज उनका गला ख़राब हो गया तो हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। और जैसे देख रहे हैं यहाँ से नीचे से और एक जगह है, इतना जगह बिना देखे आपको समझा नहीं पाएंगे। एक्चुअली हम थक गए और प्यास भी लग गया, बहुत ऊंचा ऊपर नीचे हो गया है। ये एक दुकान है, जरूरत का सामान स्नैक्स और छोटा मोटा खाना वाना मिल जाएगा। तो फिलहाल ये था दशम फॉल का नज़ारा। और हम लोग फिर कहाँ से आए, कहाँ गाड़ी पार्किंग कहाँ किया कि एक्चुअली वहाँ पे इतना भीड़ था कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाए, वहाँ पे वीडियो बनाता तो हमको लगता पुलिस आ जाता। बेसिकली मोटा मोटी एक अंदाज लगे हम लोग सिर्फ पार्किंग क्रॉस करते करते 1.5 घंटा लग गया, इतना भीड़ है। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं फिलहाल, और फिर वापस जाते हुए आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा देंगे। तो फाइनली हम लोग का एक्सप्लोर हो गया है और ये नज़ारा जब हम लोग का छोड़ने का मन तो नहीं है मगर घर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। ये देखिए पूरा खाली खाली हो गया मार्केट और यहाँ पर कुछ है भी नहीं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा,
तो लास्टली चलते चलते दिखाते हैं कैसे हम लोग रिटर्न करते हैं, क्योंकि आने के टाइम तो दिखा नहीं पाए। और तो यहाँ पे जो सबसे टॉप एंगल वाला व्यू पॉइंट है वहाँ से हम लोग निकल गए हैं और इधर से हम लोग चलेंगे आगे चल के हुए जो रास्ते से हम लोग नीचे आए थे अभी उस रास्ते से चलेंगे। यहाँ पे लोग का अभी पिकनिक ख़त्म नहीं हुआ है, लोग को डांस का अभी डांस करने का मूड हुआ तो डांस शुरू कर दिया लोग। उस टाइम वीडियो बना नहीं पाया था इसलिए ये वाला रोड दिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा और नज़दीक देख पाइएगा। एक्चुअली ये रोड उस नदी को जो दिखाया था उस नदी का साइड से आते हुए ये रोड पड़ेगा, इस रोड से आना पड़ेगा। ये देखिए दूर से दिख रहा है पूरा, और यहाँ बहुत सारा गाड़ी अभी खड़ा हुआ है। तो देखिए सामने मैडम जा रहा है, हम लोग पहुँच गए हैं गाड़ी के पास। ये जो रोड है बहुत ही भयानक टाइप का घुमाव फिराव वाला रोड है, और ये दूर में कुछ पिकनिक चल रहा है, मैंने आज शायद ग्रुप बना के वहाँ डांस कर रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग रिटर्न करेंगे, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी थक गए हैं बहुत, सीढ़ी से ऊपर नीचे करते करते हालत ख़राब हो गया, अब घर जाना है। अब भूख भी लग गया, कुछ खाना है यहाँ पे जो भी खाना मिला बहुत महंगा बोला था, फालतू का जो हमको वर्थ ही नहीं लगा। और देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ से सब लोग पैकिंग कर लिए हैं, सब जाएगा यहाँ से, और ये हम लोग इधर से अभी आए थे पीछे से, और ये मेरा गाड़ी रेडी हो गया, सब लोग गाड़ी में चलेंगे और चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।